Children, please stand. Join your hands. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Sit down, children. Sit down, children. Mics to be switched off, please. All mics to be switched off. Okay. Yesterday we were doing the lesson, What Parents Do For Us in Social Studies. And then we had a network problem. So, I'll complete that lesson today. Please switch off your mic, Veronica. What we did yesterday, let's jitna kar liya tha, usko quickly revise karte hain. I had told you that your parents or our parents work very hard for their... Akshita, your mic is switched on. Please see that it is switched off and we don't get disturbed. Yesterday we have done that our parents work very hard for us. Tumhare mummy papa jo hain, wo tum log ke liye bahut mehnat karte hain so that they can give you a good life. They give you jo tumhe chahiye ho, tumhari padhai, tumhare good food, your good clothes. Everything they work hard for us. Also, our parents, they look after us when God forbid we fall sick. कभी जब हम बीमार पड़ जाते हैं, God forbid, तो भी मम्मी पापा ही हमारी देखभाल करते हैं, हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, सब कुछ मम्मी पापा ही करते हैं. Usually, papas, fathers बाहर जाके job करते हैं. But in some cases, even mothers go out to work. Your mother can be a teacher, a doctor, an officer, anything. Your mother can be anything if she wants to be and she likes to work. Then our parents, they teach us good habits also. Mummy, papa, hum log ko theek se baat karna, theek se chalna, theek se khana, kisi se badtameezi nahi karna. Ye sab मम्मी पापा सिखाते हैं हम लोग को जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं. फिर बाद में जब स्कूल आते हैं तो टीचर्स भी वही चीज़ें हम लोग को सिखाने लगती हैं. देन मम्मी कुक्स फूड फॉर द फैमिली. यस, वी ऑल नो दैट मदर्स कुक फूड फॉर द फैमिली, बट इन सम केसेस इवन द फादर्स आर वेरी गुड कुक्स. किसी किसी के पापा भी बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे मम्मी के साथ साथ. तो इफ़ इट इज़ लाइक दैट, यू आर वेरी लकी कि मम्मी पापा दोनों अच्छा खाना बनाते हैं एंड दे गिव यू वेरी गुड फूड. एंड मम्मी ऑल्सो लाइक्स टू कीप द हाउस क्लीन. मम्मी जो है वो घर को भी साफ़ सुथरा रखती हैं, बट ये केवल मम्मी का काम नहीं है घर को साफ़ सुथरा रखना.
it is not only mummy's job to keep the house clean. We all have to help mummy, including your father, you, or whosoever is there in the family. Everyone should keep the house clean with mummy. घर का सारा काम और या ज़्यादातर काम मम्मी ही करती हैं. मदर डज मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वर्क. शी नर्सेज द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली व्हेन दे आर इल. घर में कोई भी बीमार पड़ जाए तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मम्मी अपनी बना लेती हैं, मम्मी की हो जाती है कि जो बीमार हुआ है मम्मी उसको ठीक कराएं, उसकी सेवा करें, दवाई, अच्छा खाना, इससे मम्मी उसको देखे ठीक करने की कोशिश करती हैं. फादर ऑल्सो अटेंड्स मैनी हाउस होल्ड टास्क फॉर द फैमिली. टास्क का मतलब काम होता है, वर्क होता है. एज आई सेड जस्ट नाउ, मम्मी के साथ साथ पापा भी जो हैं, फादर भी जो हैं, ही ऑल्सो डज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द फैमिली. पापा जो हैं वो फैमिली के लिए बहुत सारा काम करते हैं. एट टाइम्स ही ब्रिंग्स थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. जब कभी मम्मी फ़ोन करती हैं कि ऑफिस से लौट रहे हैं, ये लेते आइएगा, तो पापा ले आते हैं, या तुमको शॉपिंग कराने ले जाते हैं, या तुम्हारा स्कूल का सामान. देर आर टाइम्स में योर फादर गोज आउट एंड गेट्स इट फॉर यू. मैनी अ टाइम्स ही हेल्प्स मदर इन हर ड्यूटीज. बहुत बार पापा भी मम्मी की हेल्प करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. जिसके पापा नहीं करते हैं वो अपने पापा से कहो कि मम्मी थक जाती हैं, मम्मी की हेल्प करा दीजिए, मम्मी का काम में साथ दिया करिए. नाउ मम्मी पापा तो आपके लिए ये सब करते हैं, आपका क्या काम है एज चिल्ड्रेन अपने पेरेंट्स की तरफ. व्हाट शुड यू बी डूइंग फॉर योर पेरेंट्स एज देयर चिल्ड्रेन. यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स. तुम्हें हमेशा 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 अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए. मम्मी पापा जो बात कह रहे हैं उसको फौरन सुनना चाहिए. यू शुड रिस्पेक्ट देम. रिस्पेक्ट, अगर आप मम्मी पापा की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर आप किसकी इज्जत करेंगे, राइट? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यू शुड बी रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स. सईदा वेर आर यू वांट चाइल्ड. यू शुड बी रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स. आई एम श्योर सब लोग अपने मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, बहुत इज्जत करते होंगे. सईदा वेर आर यू. And we should love them. We all love them. We all love our parents. ये तो पक्की बात है. All of us love our parents. We should try to help them in laying the table, watering the plants, etc. You must all share work at home. जैसे अभी हमने कहा था कि मम्मी की हेल्प या पापा की हेल्प हर बच्चे को करना चाहिए किसी ना किसी तरीके से. छोटे छोटे काम करके, मम्मी किचन में काम कर रही हैं उनको जाके एक गिलास पानी पिला दिया, मम्मी खाना लगा रही हैं तो आपने बर्तन सब टेबल पे लगा दिए, खाना ख़त्म हो गया तो सबके साथ साथ आपने अपना बर्तन और बड़े लोग का बर्तन भी ले जाके सिंक में रख दिया. मम्मी अगर सफाई कर रही हैं तो जो जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे डस्टर लेके डस्टिंग कर दी. स्कूल तो अभी नहीं है बट जब स्कूल से गए तो फौरन अपना बैग सही जगह पे रखा, कपड़े उतार के धुलने में डाल दिए, खुद से हाथ मुंह धो लिया या नहा लिया एज द केस में भी. ये छोटे छोटे कामों में तो मम्मी की हेल्प करके मम्मी को बहुत सारा प्यार और आराम दे सकते हो आप सब लोग. और सबसे अच्छा तरीका मम्मी की पापा की हेल्प करने का है कि आप उनका कहना मानिए. जो भी मम्मी पापा कहें, वॉट एवर दे से, मम्मी पापा कभी गलत नहीं कहेंगे, मम्मी पापा कभी आपकी बुराई के लिए कुछ नहीं कहेंगे. तो वॉट एवर योर पेरेंट्स टेल यू टू डू, डू इट इमिजिएटली विदाउट आस्किंग. दैट इज़ द बेस्ट वे टू शो योर लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर पेरेंट्स. सबसे अच्छा तरीका पेरेंट्स की तरफ अपना प्यार और अपनी इज्जत दिखाने का यही है कि आप पेरेंट्स का कहना मान रहे हैं. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पर जोन ऑफ असेसमेंट लिखा है, राइट? सो प्लीज पुट अ टिक मार्क ऑन इट. एंड दिस इज फॉर होमवर्क. यू हैव टू राइट वॉट इज ग्रैंडमा डूइंग इन द पिक्चर, ओके? एंड यू विल सेंड मी द इमेज आफ्टर क्लास. What is grandma doing in the picture? You have to write one small sentence in English. What is she doing? So don't tell me what she is doing. You have to write it and send it to me. And children, send it to me on my personal this thing. Don't send it in the group. Humko sabka alag alag answer chahiye, right? So I don't want any two children writing the same thing. Mom, kya karna? I just now said, zone of assessment. What is grandma doing in the picture? Now let us, I am going to read the lesson. Please pay attention. Put your finger on the place where I am reading the thing. What do parents do for us? Parents work hard for their family. They provide their children with all the things they need. Parents look after their children when they fall ill. Parents work to earn money for their children. In some families, where was I, children? Parents look after their children when they fall ill. Parents work to earn money for their children. In some families, mothers also earn money by doing jobs. Parents teach their children good habits. They give them good education. Parents work hard to keep their children happy. Next page. Mother cooks food for the family. She keeps the house clean. She does most of the household work. She nurses the members of the family when they are ill. Father also attends to many household tasks for his family. He brings things from the market. Many a time he helps mother in her duties. Now zone of assessment, this is for homework today only. After classes, that is by 11 o'clock, you will send it to me on my personal thing. Amazing fact: in a joint family, grandparents love and take care of their grandchildren. They tell their grandchildren interesting stories. Now इसी amazing fact में से you will get your answer for zone of assessment. तुम्हें ये बताना है कि इस picture में grandmother जो है वो बच्चों के साथ क्या कर रही है. Okay. Now what should you as children do? You must obey your parents. You should respect them. You should love them. You should try to help them in laying the table, watering the plants, etc. You must all share work at home. Now this all I told you. Now let us see what meaning of parents they have given. Mother and father. Grandparents are parents of our parents. Turn the page. Keep in mind
parents work for the family. Parents look after the children and the house. Children should also help their parents. Now please pick up your pencil. Pick up your pencil and write classwork. Exercise A, pick the correct option. Ma'am, please. Exercise A, tick the correct option. You will underline the correct answer and put a tick mark on it. Veronica, number one. Read quickly. Veronica. Okay, ma'am. Your camera. Your camera, please. Yes. Quickly, quickly. Read the full sentence. Parents want and want the family to be friends. What is the correct answer? Family. So, underline family and put a tick mark on it. Good. Saida, the next one, please. Mother keeps the house clean. Read the full sentence, Saida. Read the full sentence. Mother keeps the house clean. Aage bhi to padho jo dusra word hai. You have to read that word and then give me the answer. Dirty. What is the answer? Clean. So underline clean and put a tick mark on it. Good. Tasmiya. Next one. Mother Tasmiya, 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 we are on number 3. 2 has already been done. P-A-R-E-N-T-S plants, W-O-R-K food, W-O-R-K food, H-A-R-D-Hard. Tasmiya, Tasmiya, stop. You are not paying attention, child. Sit down. Vidushi. Yes, ma'am. Read. Children should not have their parents. Children should help their parents. Very good, Vidushi. Very good. Achint. Read. Answer? Both. Very good. Both. Underline both and put a tick mark on it. Achint, where are your glasses, child? Chashma lagao. Okay. Now the next one, children. Exercise C. Fill up the blanks. This is for homework. So when you are sending me zone of assessment before 11, you will send me exercise C also. Write homework. And this you will do on your own. I am just reading out the sentences to you. You will do this work on your own. Dash work hard for the family. Parents work to earn dash. Dash does most of the household work. Dash should also help their parents. Dash take care of their grandchildren.
Now this is one verb, exercise C, and zone of assessment 10:30 से 11 के बीच यू हैव टू सेंड टू मी. डोंट सेंड इट टू मी बिफोर दैट, आई विल नॉट चेक इट. बिटवीन 10:30 एंड 11 यू हैव टू सेंड इट टू मी ऑन माई पर्सनल नंबर, ऑन माई पर्सनल इनबॉक्स, राइट? डोंट सेंड इट इन द ग्रुप. आफ्टर 11 इफ यू सेंड इट आई विल नॉट चेक इट. नाउ चिल्ड्रेन, क्लोज योर सोशल स्टडीज बुक.